मेरी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनके नाइट ड्यूटी होती थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरी सास, ससुर और मेरे पति और एक छोटा देवर और नंद रहते थे। मेरा भाई भी यहीं रहता था। मेरा भाई हर रोज़ एक नई फिल्म लेकर आता था जिसे मेरी ननंद और वह अकेले बैठकर देखते। एक दिन मैंने देखने की जिद की तो वह बोला, यह तुम्हारे देखने वाले फिल्म नहीं है। मैं हैरान थी क्योंकि वह दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे पति सुबह आते थे और तब तक मैं कमरे में अकेले ही होती थी। मेरा भाई और मेरी ननंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बातें करते थे। भाई जब भी रात को घर आता कोई ना कोई फिल्म की सीडी जरूर लगकर आता था और सिर्फ मेरी ननंद और मेरा भाई दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते थे। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे भाई के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी यह हरकत बहुत अजीब लगती थी। भला ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे से सबसे छुप के देखी जाती थी। मैं सोच कर रह जाती थी कि कभी कभी सोचती थी कि इसके बारे में अपने पति से बात करूं। फिर यह सोचकर चुप हो जाती थी कि कहीं मेरे पति ना समझे कि उनके बहन से जलन कर रही हूँ। वैसे भी आजकल तो बेचारी भाभी बिना वजह बदनाम हो जाती हैं। एक दिन मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे पति ड्यूटी से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह धोकर किचन में चली गई। फिर जल्दी ही सबके लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रख कर अपने कमरे में ही ले आई। तब तक मेरे पति भी मुंह हाथ धोकर कपड़े बदले और अपने बिस्तर पर बैठ गए थे। मैंने कमरे में आते हुए कहा, जाइए नाश्ता कर ले। मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए धन्यवाद कहा तो मैं भी मुस्कुरा दी। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, हाथ पर कैसी चोट लगी है। मैं हैरान हो गई और बोली, कुछ नहीं, कल किचन में खाना बनाते वक्त हाथ जल गया और मैं बताना भूल गई। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मेरे पति ने कहा, ध्यान से काम किया करो। मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामा ही अंदाज में कहा, जैसे आपकी आज्ञा। मेरे पति जी ने कहा, खुशी को कहा करो कि तुम्हारे घर के कामों में हम मदद किया करें। मैं कुछ सोचते हुए चुप हो गई। मैंने जब कोई जवाब नहीं दिया तो मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ। मैं बोली, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कम कमरे में रहती है और रात होते ही मेरा भाई आ जाता है। फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वह मुझसे बात तक नहीं करती तो मैं काम का कैसे कहूँ। मेरे दिल में आई बात फौरन अपने पति को बता दी। मेरे पति ने सोचते हुए जवाब दिया, चलो मैं खुद कह दूंगा। मैंने अपने पति से कहा, अच्छा अभी आप नाश्ता करके आराम कीजिए, क्योंकि मैं जानती थी वह थके हुए आए होंगे। मेरे पति ने कहा, तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद की और बर्तन समेट के किचन में आ गई। मैं अपने कामों में लग गई। मैं अभी हल झाड़ू पोछा करके थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट हॉल में रखे चारपाई पर ही बैठी थी कि मेरी ननंद आ गई। भाभी नाश्ता बना दो, उसने तेज अंदाज से कहा। मेरी ननंद की बात करने का अंदाजा ऐसा था जैसे सामने वाला उसका नौकर हो और वह मालकिन हो। मुझे शुरू से ही उसका व्यवहार बहुत अजीब लगा था, लेकिन मैं कहती किससे। अगर अपनी सास से कहती तो वह कहती कि मेरी बेटी से बहस कर रही है। मेरे घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए चुप रहती थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। मैंने नाश्ता बनाकर अपनी ननद के सामने रख दिया जब तक मेरा भाई भी उठ गया था। फिर मैंने उसको भी नाश्ता बना कर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने बहुत कम जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नज़रें बहुत अजीब लगती थी। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में बहुत दर्द उठ रहा था, मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इतने में मेरे पति की आंख खुल गई। मेरे पति ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ है। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने पति को बताया, वह किचन में काम कर रही थी तो जले पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लगा। मेरे पति ने कहा, अरे तुम रहने देती बिट्टो कर लेती, लाओ अपना हाथ दिखाओ। मेरे पति ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए देखा और फिर जिद करके मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी और साथ ही कुछ दवाइयाँ भी दी थी। हॉस्पिटल से मैं घर आई तो घर वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी ननद और देवर को दिए थे वैसे ही हॉल में रखे टेबल पर पड़ी हुई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश थी। तभी मेरे पति ने चेयर पर बैठते हुए पूछा, यह बर्तन अब तक यहाँ रखे हुए हैं। मैंने कहा, हॉस्पिटल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वह बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं अभी उठा लेती हूँ, और बर्तन समेटकर सिंक में रखने लगी
तुम रहने दो, डॉक्टर ने तुम्हें काम करने से मना किया है, वरना चोट नहीं भरेगा, और मुझे चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। मेरे पति ने अपनी बहन को आवाज़ दी। मेरे पति अपनी बहन को बिट्टो कहकर पुकारते थे, उनकी शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी बिट्टो नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक तो छोटे छोटे बच्चों की माँ होती। जी भाई, मेरी ननंद मोबाइल चलाते हुए गुस्से के अंदाज में पूछने लगी। मेरे पति ने मेरी ननंद से कहा, यह बर्तन समेटकर किचन में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख दो ना। वह गुस्से से अपने भाई की तरफ देखने लगी। मेरे पति ने कहा, इतना हैरान होने की बात नहीं है, तुमने खाया है ना, तो धोकर भी रख सकती थी। वह दोनों अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे, ना ही बात करने की उन्हें तमीज़ थी, जबकि मेरी ननंद और मेरे भाई की बराबरी में मेरे पति बहुत ही अच्छे थे, बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि मेरे पति की मम्मी ने उन्हें ज़रूर कहीं से गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर और ननंद को खुद ही सोचकर अपनी ही सोच पर हंसी देती है। शाम को मेरे पति अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं हॉल में आकर बैठ गई थी। मेरी ननंद किचन में थी, क्योंकि मेरे पति ने मेरी ननंद को सख्ती से मना किया था कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देना। अपने भाई की बात मानते हुए आज वह किचन में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। दीदी मैं, तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। फिर मेरा भाई घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी ननंद के कमरे में चला गया, लेकिन जब मेरी ननंद को कमरे में ना पाया तो आवाज़ भी देने लगा। फिर मेरी ननंद ने किचन से आवाज़ लगाई तो वह किचन में चला गया। दोनों आपस में धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं हॉल में रखी सोफे पर बैठी हुई थी, मुझे उनकी आवाज़ें सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे भाई का फ़ोन बजने लग गया तो वह कोई सीढ़ी मेरी ननंद को दिया और फिर फ़ोन कान से लगाकर घर से बाहर निकल गया। मेरी ननंद खाना पकाते हुए वह सीढ़ी वहीं किचन में रख दी। मैं किचन के बाहर रखी टंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नज़र इन दोनों पर ही थी। मैं किचन में आ गई, मेरी ननंद सब्जियां काट रही थी। मैं उनसे बातें करने लगी। मैं मुंह बनाए हुए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उनकी नज़रों से बचकर वह सीढ़ी अपने पल्लू में छिपा ली। मैं किचन से बाहर निकली लगी थी कि वह सीढ़ी मेरे पल्लू से निकलकर ज़मीन पर गिर गई। मेरी ननंद ने फौरन मुझे देखा। मैंने अनजान बनते हुए पूछा, यह सीढ़ी कहाँ से आई है? और वह सीढ़ी उठाई ताकि मेरी ननंद को मुझ पर शक ना हो कि मैं इस पर और अपने भाई पर नज़र रख रही हूँ। यह मेरी है, मुझे दीजिए। मेरी ननंद झट से मेरे हाथ से वह सीढ़ी छीन ली और जल्दी से वह सीढ़ी लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सबने खाना खा लिया था तो मेरी ननंद और मेरे भाई ने हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगा ली थी और दरवाजे को कुंडी लगा ली थी। मैं बोर होते हुए अपने कमरे में चक्कर काट रही थी, फिर अपने घर पर फ़ोन मिलाकर बातें करने लगी और फिर पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठकर हमेशा की तरह कामों में व्यस्त हो गई। फिर काम पूरा करके कमरे में आ गई तो मेरे पति ने कहा कि जब तक मेरा हार्ट ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मायके चली जाऊँ ताकि मुझे आराम मिले और हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में कुछ कपड़े रख ली और अपने पति के साथ अपने मायके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे पति की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की, वो थके हुए थे, सो गए। मम्मी ने मुझे नाश्ते के लिए बुला लिया। मैं नाश्ते के लिए हॉल में आ गई। मम्मी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। मैं धीरे से बर्तन समेटने लगी। मेरी बहन ने मुझसे कहा, अरे दीदी बैठे रहो, यह काम तो मैं कर लूँगी। मैंने कहा, वहाँ भी तो करती हूँ ना, यहाँ भी कर लूँगी। मेरी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आराम के लिए आई हो तो आराम करना, वरना जीजा जी को क्या कहेंगे कि मेरी सास और साली ने मेरी पत्नी को आराम भी नहीं करने दिया और मेरे हाथ से बर्तन लेकर किचन में चली गई। अभी वहीं ऐसे ही बैठी हुई थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, तब मालूम हुआ कि मेरे दोस्त थी जो हमारे ही गाँव में रहती थी, उसे मेरे आने की खबर मिल गई थी, वह मुझसे मिलने आ गई। मेरी दोस्त ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने कहा, मैं भी ठीक हूँ। मैंने उससे हॉल में रखे सोफे पर बैठने को कहा तो वह बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठी। मेरे दोस्तों ने बनाते हुए कहा, तुम तो भूल गई हो। मैंने कहा, बस यार शादी के बाद इंसान घर की जिम्मेदारियों में बन जाता है। वह हंसते हुए बोली, दूल्हे भाई ने रुकने के लिए कैसे भेज दिया? किचन से निकलती हुई मम्मी बोली, वह तो इसका हाथ जल गया था ना, इसीलिए आराम के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी मम्मी की कहाँ याद आनी थी।
मैंने मम्मी को गले लगाते हुए कहा, मेरी प्यारी मम्मी अब बस करें। मम्मी ने हंसकर कहा, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं खुद दोबारा किचन में चली गई। फिर मैं और मेरी दोस्त, हम दोनों पुरानी बातों में गुम हो गए। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें याद है एक पिंकी आंटी हमारे गाँव में रहती थी, उन्होंने अपने पति के मरने के बाद मास्टर चाचा से शादी कर ली थी। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त ने बताया शुरू किया कि पिंकी आंटी ने जब मास्टर चाचा से शादी की तो उससे पहले मास्टर चाचा का एक बेटा था जिसके बारे में हमेशा गांव में सुनते रहते थे। फिर किसी ना किसी से झगड़ा हो गया। मैंने कहा, यह सब बातें तो मुझे याद हैं, मुझे तो शुरू से ही मास्टर चाचा का बेटा खतरनाक लगता था। मेरी दोस्त ने कहा, तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? एक दिन पिंकी आंटी उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर लड़कियों की फ़ोटो देख रहा था। उस लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि पिंकी आंटी ने उसे देख लिया है तो वह उनसे डरने की बजाय पिंकी आंटी को भी धमकी देने लगा कि उन्होंने अगर किसी को भी यह बात बताई तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी पिंकी आंटी ने चाचा को बात बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वह लड़का गुस्से में घर छोड़ दिया। एक दिन पिंकी आंटी किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले पति से उनकी जो बेटी थी उस लड़के ने पकड़कर उसके साथ जाती कर ली। उनकी बेटी उसी वक्त से पागल सी हो गई है और वह लड़का तभी से फरार है। बेचारी पिंकी आंटी बहुत रोती हैं। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने अपनी दोस्त से कहा, मुझे यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरी दोस्त अपने घर चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब बातें निकल नहीं रही थी। फिर मैं अपने दोस्त के साथ पिंकी आंटी के घर चली गई। मुझे उन्हें देखकर बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का पागल होना उनके लिए बहुत बड़ी दुख की बात थी। मैं उनको कुछ दिन पहले ही देखी थी, वह इस वक्त क्या से क्या हो गई थी। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन माई के रुकने के बाद मेरे पति मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे पति मुझे घर छोड़कर अपने नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो किचन में रखे फ्रिज में पानी लेने चली आई। पानी की बोतल और गिलास लिए अपने कमरे में आ रही थी कि मेरी ननद के कमरे से जाते हुए, क्योंकि किचन और मेरे कमरे के बीच ही मेरी ननद का कमरा था, मुझे कमरे में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन आवाज़ इतनी धीरे थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की पक्की वीडियो लगाई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले मेरे हाथ से गिलास गिर गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और गुस्से से पूछा, यहाँ क्या कर रही हो? मैंने जल्दी से कहा, पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी कि गिलास गिर गया। मैंने कमरे में झांक कर देखा तो मेरी ननद बिस्तर पर बैठी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वह मुझे देखकर घबरा गई हो। उस कमरे में अजीब आवाज़ें आ रही थी। मेरी ननद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अब खड़ी क्यों है, जाएं अपने कमरे में, मेरे भाई ने कहते हुए मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अजीब बदतमीज़ है, मैं मुँह में बड़बड़ाई हुई अपने कमरे में आ कर बैठी हुई थी कि मेरे पति की कॉल आ गई। कुछ देर बाद उनसे बातें करने के बाद मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे दिमाग में अब अपने दोस्त की बात घूम रहा था। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि मेरी ननद और मेरे भाई भी कोई गंदी फोटो या वीडियो देखते हों, तभी तो मुझे नहीं आने देते हैं? वरना ऐसी कौन सी फिल्म हो सकती है जिसको सबसे छुपा कर देखा जाए? लेकिन यह तो कितना बड़ा पाप है ना। लेकिन क्या सच है, ऐसा ही है? यस, ये सब मेरा वहम है, लेकिन ऐसी कोई बात ना होगी। इन दिनों की आदत ही ऐसी हो सबसे अलग रहने की, तभी वह दोनों मुझसे ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं और इसीलिए यह मुझे अपने साथ फिल्म नहीं दिखाते। लेकिन अब मेरे दिल में बहुत सवाल बैठे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। यह सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लगा था। मैं नींद की दवा ले ली और सो गई। सुबह उठी तो हमेशा की तरह वक्त पर मेरे पति नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। ड्यूटी से उनके आने पर मेरी आंख नहीं खुली थी। मैं अपने पति को चादर उड़ा दी और स्नान करने चली गई। नहा धोकर तैयार हो गई और नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। नाश्ता बनाया तब तक मेरे पति भी उठ गए थे। मैंने साथ ही इन दिनों के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे कमरे में आ गई। मैं और मेरे पति नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। मेरे पति ने पूछा, कहाँ गुम हो? तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूँ, लेकिन यह सब मेरा वहम हुआ तो मेरे पति मेरे बारे में क्या सोचेंगे?
फिर मैं उन्हें उनके भाई और बहन के बारे में कितना गलत सोच रही हूँ। मुझे पहले सब कुछ पता करना होगा, फिर किसी से कुछ कहूँगी, मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहकर नाश्ता करने लगी। अगली रात मैं उनके आने से पहले ही उनके कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा भाई और मेरी ननद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीडी निकाली और लगाई। मैं फिल्म शुरू होने का इंतज़ार कर रही थी कि क्या यह सब सच है या फिर मेरा वहम है या फिर आज सब मालूम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपने ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वह फिल्म तो कोई फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है जिसमें एक दरवाज़ा और एक खिड़की नज़र आ रही थी। उसमें बहुत सारे बच्चे थे जिनकी सबकी उम्र 5 से 16 साल तक की थी। उसमें लड़के लड़कियां दोनों थे और वह एक कमरे में पड़े हुए थे। इन्हें देखते ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें बहुत दिन से पकड़ कर यहाँ पर रखा हुआ। तो इनमें से एक लड़की बहुत ज़्यादा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी कि उनकी माँ बीमार है और वह मेरा इंतज़ार कर रही होगी। वह लड़की लगभग 16 साल की थी। उसकी आवाज़ में पहचान गई थी। जिस दिन मैंने कमरे के बाहर से आवाज़ सुनी थी तो इसी लड़की की थी। मैं तो यह सब देखकर दंग रह गई थी। मेरा भाई और मेरी ननद इतने घटिया थे, इतना गिरा हुआ काम करते थे, लोगों के बच्चे पकड़कर कैद करते थे। मेरी ननद के पास किसी का फोन आया, वह उससे बातें करने लगी। शायद बच्चों को दूसरी जगह भेजने वाले थे। मेरे भाई ने कहा कि कल सारे बच्चों को दुबई के में सप्लाई कर देंगे ताकि दूसरे बच्चों को रखने की जगह बने। और फिर थोड़ी देर बाद वह दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज के कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वह जब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं। मुझे उन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहल कर जागती रही। जब सुबह हुआ, कुछ देर बाद ही मेरे पति घर आ गए। मेरे पति ने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे पति को यह सब झूठ लगा, उन्होंने मुझ पर भरोसा नहीं किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक उपाय बनाया और उन्हें भी इस रात कमरे में लेकर छिप गई। वहाँ की सारी बातें भी हमने रिकॉर्ड कर ली। मेरा पति तो उसी वक्त उनके सामने आ गए और उन्हें अपने सामने देख मेरी ननद और मेरे भाई के होश उड़ गए, क्योंकि मैंने और मेरे पति ने उनकी सारी सच्चाई रिकॉर्ड कर ली थी। मेरे भाई ने मेरे पति को मारने के लिए एक लोहे का पाइप उठाया। वह पाइप वहाँ जूते बिजली के तार में लग गया। मेरी ननद उससे बचाने दौड़ी तो उसे भी बिजली ने पकड़ लिया और वह दोनों भगवान को प्यारे हो गए। हमने वह रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी और उन बच्चों को छुड़ा लिया और सारे बच्चों को अच्छे से उनके घर पहुंचा दिया गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूं और मेरे पति मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम दोनों पर अब 2 बच्चे भी हैं और वह बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने सच का साथ दिया, जिसकी वजह से मेरे भाई और ननंद दोनों अपने किए पर सजा भुगत चुके थे। इंसान कितनी भी होशियारी से गलत काम क्यों ना कर ले, वह एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। इन दोनों ने ना जाने कितने माँ बाप की बददुआएं ली थी जो आज इस हाल में थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, आपका 1 लाइक बहुत ज़रूरी है, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।